और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, खबर मुंबई से, जहां पर ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल रूम को धमकी भरा मैसेज मिला है जिसमें 26/11 जैसे आतंकी हमले की बात को कही गई है। मुंबई में फिर से आतंकी हमले को लेकर धमकी भरा मैसेज सामने आया है। मुंबई ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल रूम में ये धमकी भरा संदेश मिला है। और दरअसल पाकिस्तान की ओर से कंट्रोल रूम में व्हाट्सएप नंबर पर ये धमकी भरा मैसेज आया है जिसमें लिखा गया है कि 26/11 जैसा दूसरा आतंकी हमला करने की धमकी दी गई है। पुलिस और जांच एजेंसियां अब इस पूरे मामले की जांच कर रही हैं। मैसेज में उदयपुर हत्याकांड का भी जिक्र किया गया है। मुंबई में धमकी भरा यह मैसेज पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से आया है। एजुकेशन विभाग के एमडी के माली के नंबर से ये धमकी आई है। और लाहौर के कलमा चौक पर एमडी का घर है और माली मोहम्मद इम्तियाज का दावा है कि उसने ये मैसेज नहीं भेजा है। इम्तियाज का दावा है कि किसी ने शरारत भरा ये मैसेज भेजा है और उसने साफ किया कि नंबर तो उसी का है लेकिन मैंने मैसेज नहीं भेजा। मुंबई में फिर एक बार टेरर अटैक होने का मैसेज व्हाट्सएप पे आया है जो मुंबई कंट्रोल रूम को आज आया है। मुंबई में फिर से 26/11 जैसा अटैक होगा ऐसा मैसेज आया है और इसीलिए अब मुंबई की जो सुरक्षा यंत्रणा है वो और ज़्यादा हाई अलर्ट पे आ गई है। 26/11 में समुद्र के मार्ग ही मुंबई में कुछ अतिरेकी घुस आए थे जिन्होंने ताज हो या बाकी जो प्लेसेस है वहाँ पे हमला किया था जिसमें कई सारे मुंबईकर की जान गई थी। वो जो दिन है वो कभी मुंबईकर हो या कोई भी देश का नागरिक कभी भूलेगा नहीं, लेकिन वैसा ही हल्ला वैसा ही हमला फिर से होगा ऐसा मैसेज आज मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम को आया है। और जो भाषा है उस मैसेज में जो भाषा है वो बहुत ज़्यादा धमकी भरी है क्योंकि उसमें लिखा है कि जो भारत में कुछ ऐसे लोग हैं जो खुद मुंबई उड़ाना चाहते हैं और इसीलिए हम उनका साथ देंगे ऐसा उसमें लिखा है। और जैसा 26/11 में हुआ था वैसा ही हमला मुंबई में भी होगा, मुंबई को हम उड़ाना चाहते हैं, इस तरीके का मैसेज आया है। अभी कुछ दिन पहले रायगढ़ में एक बोट मिली थी जहाँ पे AK-47 राइफल्स मिले थे उस बोट में। तो ये सब बात देखते हुए जो यंत्रणा है ATS हो या बाकी यंत्रणा हो, पुलिस यंत्रणा हो, वो और ज़्यादा हाई अलर्ट पे आ गई है। लेकिन ये जो मैसेज है उसकी अब इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। ये मैसेज कहाँ से आया है, ये मैसेज पाकिस्तान से आता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ये मैसेज कितना सच है या किसी ने मजाक किया है ये भी, इसकी भी इन्वेस्टिगेशन अब चल रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सागर पाटिल के साथ रुचा वजे जी मीडिया। तो धमकी भरा मैसेज आया है और पाकिस्तान के नंबर से मैसेज आया। हमारे सहयोगी नीलेश हमारे साथ जुड़े। नीलेश, धमकी भरा मैसेज आया, इसको लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है और कितनी सतर्क एजेंसियां और पुलिस इस मैसेज को लेकर? जी बिल्कुल, आपको बताऊं कि बीती रात को ये मुंबई ट्रैफिक डिवीजन को ये एक व्हाट्सएप मैसेज मिला जिसमें बताया गया कि 26/11 के तर्ज पर एक बार फिर मुंबई को दहलाने की कोशिश की जाएगी। आपको बताएं इस मैसेज के आने के बाद मुंबई पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो बेहद ज़्यादा सतर्क हो चुके हैं। उन्होंने अपनी तरफ से जो अलर्टनेस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी गई है। आपको बताऊँ कि अब से थोड़ी देर पहले मुंबई के पुलिस कमिश्नर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली जिसमें इस पूरे वारदात को लेकर उन्होंने पूरा जानकारी दिया। पूरे सिलसिलेवार से उन्होंने समझाया कि कब पुलिस कंट्रोल रूम को ये मैसेज प्राप्त हुआ, उस मैसेज में क्या क्या था, उसको लेकर उन्होंने जानकारी दी। साथ ही बताया कि इस मैसेज के प्राप्त होने के बाद उनकी तरफ से जो एजेंसीज हैं उन्हें सतर्क कर लिया गया है, खासकर ATS को पूरी जो डिटेल है वो सौंपी गई है क्योंकि इस व्हाट्सएप जो मैसेज है उसके साथ कुछ तस्वीरें भी भेजी गई थी जिसमें यह कहा गया कि उनके साथ ये कुछ चार लोग शामिल हैं जो कि इसी देश में हैं और इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देने में उनका सहयोग करने वाले हैं। इस पूरे मामले को देखते हुए पुलिस बेहद ज़्यादा अलर्ट हो चुकी है क्योंकि आपको बताऊं कि मुंबई शहर में आने वाले कुछ दिनों में गणेश उत्सव जो है वो मनाया जाएगा जिसमें लाखों की जो भीड़ होती है वो हम देखते हैं मुंबई की सड़कों पर नजर आती है। साथ ही अब से महज कुछ 2 महीने ही बचे हैं जब एक बार फिर मुंबई शहर 26/11 की बरसी मना रहा होगा। ऐसे में इन सभी जो घटनाक्रम है इन सभी इतिहास को देखते हुए बिल्कुल बिल्कुल नीलेश आएंगे आपके पास चूंकि धमकी भरा मैसेज आया और उसमें हिंदी में लिखा गया भाई मुबारक हो मुंबई में फिर धमाका होने वाला है।